स्टार्ट करो सर। डियर स्टूडेंट आरसे एजु हब बांसु की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपन बात कर रहे थे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिहाइड्रोजिनेशन, नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा अपना कौन सा पढ़ेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन, यानी उसी का नाम है डिहाइड्रोजनीकरण। देखिए डिहाइड्रोजनीकरण में होता क्या है, आज का जो टॉपिक रहेगा डियर स्टूडेंट डिहाइड्रोजनीकरण। देखो मैंने यहाँ पे निर्जलीकरण पढ़ाया था, वहां से दो पॉइंटों की बात की थी, प्रोटोनीकरण और दूसरा वी प्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकरण का मतलब होता है प्रोटॉन का जुड़ना और वी प्रोटोनीकरण का मतलब होता है प्रोटॉन का बाहर निकलना। उसी प्रकार से यहाँ पे बात करेंगे वी हाइड्रोजनीकरण के अंदर हाइड्रोजन के परमाणु का जुड़ना तो क्या कहलाता है हाइड्रोजनीकरण, और हाइड्रोजन के परमाणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है वी हाइड्रोजनीकरण। जब आपको पता है वी वर्ड जुड़ जाएगा प्रारंभ में तो ये 100% है कि वहां से मॉलिक्यूल्स वी हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है वी हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो यहां से अपन वी हाइड्रोजनीकरण किस प्रकार से करेंगे, यहां पे क्या बताया कि जो आपका प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, उनकी जो वाष्प है वेपर है उसको 573 केल्विन ताप या 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर उसको अभिकृत करवाया जाएगा गर्म करके, तो यहां से अलग अलग उत्पाद बनने लग जाएंगे। यानी एल्कोहल आपके पास तीन प्रकार के एल्कोहल लिए थे आपने, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहलों की जो वेपर है उसको जैसे ही 573 केल्विन ताप या 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर आपने अभिकृत करवाया तो अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में माना कि आपका जो प्राथमिक एल्डिहाइड है 1 डिग्री एल्कोहल है, आपका जो 1 डिग्री एल्कोहल प्राथमिक जो एल्कोहल है उससे क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, जो आपका द्वितीयक एल्कोहल है उससे क्या बनेगा कीटोन, और तृतीयक यहां पे नोट लगा के यहां पे ध्यान रखने योग्य बात क्या हो रखनी है याद कि जो 3 डिग्री एल्कोहल होगा आपका उसका वी हाइड्रोजनीकरण न होकर निर्जलीकरण होने लग जाता है और निर्जलीकरण के दौरान वहां से एल्कीन का निर्माण हो जाता है। तो यहां पे 3 डिग्री याद रखने योग्य बात है कि जो 3 डिग्री एल्कोहल है उसका वी हाइड्रोजनीकरण न होकर निर्जलीकरण होने लग जाता है और निर्जलीकरण के दौरान यहां से क्या बनती है एल्कीन। तो देखें यहां से एग्जांपल के रूप में मैंने यहां से लिया आपका 1 डिग्री एल्कोहल CH3CHHOH, यानी ये आपका CH3CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल की जो वाष्प है इसको कोपर पाउडर के साथ 573 केल्विन या मैं इसको कह सकता हूं 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर अभिकृत करवाया जाता है। तो यहां से ऑक्सीकरण के द्वारा यहां से क्या होने लग जाएगा ऑक्सीकरण के द्वारा मैं आपको कह हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीजन के अणु यदि जुड़ता है तो क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन यदि बाहर निकलता है तो वो भी क्या कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। तो यहां से देखो जैसे ही आपका 1 डिग्री एल्कोहल है इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं कॉपर पाउडर के साथ 573 केल्विन ताप के ऊपर, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा यहां से एल्डिहाइड। देखो यहां से वन एच यहां से और 1H यहां से ऑक्सीजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या हो जाए ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, यानी कि 1 डिग्री जो एल्कोहल है इसको यहां से जो मैंने ऑक्सीजन लिख दिया था यहां से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सभी गलती से लिखा। तो 1 डिग्री एल्कोहल है इसको क्या करेंगे कॉपर पाउडर के साथ 573 केल्विन ताप पे अभिकृत करवाएंगे, तो वी हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे, वी हाइड्रोजनीकरण के रूप में यहां से क्या होगा देखो H यहां से निकलेगी और H यहां से निकलेगी, दोनों H बाहर निकल जाएंगे, तो यहां से देखो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3CHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से बाहर कौन निकल जाएगी H। ऐसे ही यदि आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है सेकंड एग्जांपल के रूप में मैंने लिखा यहां पे 2 डिग्री एल्कोहल CH3 यहां पे मैंने लिखा CH CH3 ये आपका OH,
जिसको मैंने कॉपर पाउडर कॉपर चूर्ण के साथ 573 केल्विन या 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिकर्ण करवाया, तो आपको पता है यहां से क्या होगा, वी हाइड्रोजन निकल, और यदि 2 डिग्री एल्कोहल यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो से, तो ये कैसा एल्कोहल कहलाएगा आपका, 2 डिग्री एल्कोहल, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल का यदि आप करवाने के वी हाइड्रोजनीकरण तो कैसे होगा, यहां से देखो H यहां से निकल जाएगी और H यहां से, दोनों H बाहर निकलेगी तो वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब यहां पे क्या है, यहां पे H2 बाहर निकल गई, तो देखो यहां पे दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ये तो आपका क्या था एल्डिहाइड बन रहा था एल्डिहाइड, और ये क्या बन जाएगा आपका कीटोन। लेकिन यहां पे ध्यान रखने योग्य क्या बात होगी कि जो आपका 3 डिग्री एल्कोहल है, नोट डाल के या लिख रहा हूं यहां पे ध्यान रखना है आपको, जो आपका 3 डिग्री एल्कोहल है CH3CS, यानी CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं H, यानी कि ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है, OH समूह इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये जो कार्बन है कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ रहा है, 3 से, तो ये कैसा एल्कोहल कहलाएगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल, यानी 3 डिग्री एल्कोहल। और एरो के ऊपर क्या लिख रखा है, कॉपर पाउडर है 573 केल्विन टेंपरेचर या 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, तो आपको पता है 3 डिग्री एल्कोहल का अब हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल का वी हाइड्रोजनीकरण न होकर क्या होने लग जाता है, यहां से निर्जलीकरण होने लग जाता है और वहां से H2 के रूप में मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। देखो यहां से निर्जलीकरण होगा तो यहां से क्या क्या होता है, OH2 यहां से निकले और H यहां से, तो H2 के रूप में जब ये बाहर निकलेगा दोनों के बीच में क्या जाएगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से देखो ये बॉन्ड यहां से टूटा, यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहां से ये बॉन्ड टूटा, यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस, तो देखिए H + OH - H2 H2 के रूप में आ गया। देखो यहां से H2 जल का अणु बाहर निकला, कभी जल का अणु बाहर निकला है तो जल के अणु का बाहर निकलना भी हाइड्रोजनीकरण थोड़ी कहलाता है, तो जल का अणु जब भी रिएक्शन के अंदर बाहर निकल रहा है तो वो तो वी हाइड्रोजनीकरण न होकर क्या कहलाएगा, निर्जलीकरण कहलाएगा। तो यानी कि ध्यान रखने योग्य बात है कि 3 डिग्री एल्कोहल का वी हाइड्रोजनीकरण न होकर निर्जलीकरण होता है, और निर्जलीकरण के दौरान प्रोडक्ट के रूप में किसका निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। देखो यहां पे माइनस और यहां पे क्या है प्लस, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3 ये क्या है आपका C, ये क्या है आपका CH3 डबल बॉन्ड, ये CH3 ये C है, यहां पे क्या जुड़ रहा है CH3, अब प्लस और माइनस के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा आपका एल्कीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहां से एल्कीन। तो यानी कि वी हाइड्रोजनीकरण में ध्यान क्या रखना है आपको, प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल एवं तृतीयक एल्कोहलों की जो वाष्प है इसको कॉपर के साथ 573 केल्विन या 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिकृत करवाया जाता है, तो अलग अलग उत्पाद बनते हैं, अलग अलग उत्पाद बनेंगे, नहीं एक एल्डिहाइड बन रहा है, दूसरा कौन बन रहा है कीटोन बन रहा है, और तीसरा कौन बन रहा है एल्कीन, तो अलग अलग उत्पाद बनते हैं जिसमें आपका जो 1 डिग्री एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है एल्डिहाइड, और जो आपका 2 डिग्री एल्कोहल है उस 2 डिग्री एल्कोहल से किसका निर्माण होता है कीटोन का, और जो आपका 3 डिग्री एल्कोहल है उस 3 डिग्री एल्कोहल से किसका निर्माण होता है एल्कीन का निर्माण होता है। तो यानी कि यहां पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप इस शॉर्टकट ले सकते हैं समझने के लिए, वी हाइड्रोजनीकरण के दौरान वी हाइड्रोजनीकरण जब भी हो रहा है यहां से, तो आपके पास माना कि 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल एरो पर मिल जाए आपको कॉपर पाउडर 573 केल्विन या 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल का यदि आपने वी हाइड्रोजनीकरण करवाया और प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा एल्डिहाइड, H2 क्या निकल जाएगी बाहर। ऐसे अपन को याद रखना है 2 डिग्री एल्कोहल है आपके पास, और 2 डिग्री एल्कोहल का यदि वी हाइड्रोजनीकरण वही कॉपर पाउडर 573 केल्विन या 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां से 2 डिग्री एल्कोहल से प्रोडक्ट क्या बनेगा कीटोन, प्राउड कौन हो जाएगा H2, यानी कि स्टार पॉइंट से यहां पे नोट डाल के ध्यान रखना है, यदि आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है और एरो के ऊपर यदि कॉपर पाउडर लिख रखा है 573 केल्विन
ताप या 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रखा है, तो आप उनको ध्यान क्या रखना है, आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगी, यहाँ पे एल्कीन बनेगी, आउट कौन हो जाएगा यहाँ पे H2, यानी कि वी हाइड्रोजनीकरण न होकर यहां से क्या होने लग जाएगा, निर्जलीकरण होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा इसका, 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो क्या सुपर होने लग जाएगा यहाँ पे, निर्जलीकरण। तो ये है आपका वी हाइड्रोजनीकरण। यानी कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों की वाष्प को कॉपर पाउडर के साथ 573 केल्विन या 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे अभिकृत करवाया जाता है, तो अलग अलग उत्पाद बनते हैं, जिसमें 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन, 3 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं उनका वी हाइड्रोजनीकरण न होकर निर्जलीकरण होने लग जाता है और उत्पाद के रूप में एल्कीन का निर्माण हो जाता है। तो ये है आपका वी हाइड्रोजन। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इसी में, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण। तो देखें यहां से ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखिए क्या यहां पे ऑक्सीडेशन में बात कर रहे हैं अपन, टॉपिक चल रहा है अपना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी इसको कह सकता हूं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन की बात करेंगे यहां पे, ऑक्सीडेशन में होता क्या है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक जो एल्कोहल है उनका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल है आपके पास, 2 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है, इन सभी का यदि आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके पास क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो यानी कि ध्यान क्या रखना है यहां पे कि यदि आपके पास, समझने के लिए यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं, यहां पे एल्कोहल है ROH, क्या है आपके पास एल्कोहल, एल्कोहलों का यदि आप क्या करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन करवाते हैं, यानी आपके पास एल्कोहल है, एल्कोहल का यदि आपको ऑक्सीडेशन करवाना है तो एल्कोहलों के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, यहां से कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, किसका निर्माण होगा यहां से कार्बोनिल यौगिक। जब भी एल्कोहल कहीं पर भी नजर आए आप उसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेंगे, वहां से कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। और कार्बोनिल यौगिक के अंतर्गत कौन आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। हो सकता है कार्बोनिल यौगिक के रूप में आपका एल्डिहाइड, क्या हो सकता है एल्डिहाइड भी हो सकता है, तो दूसरा क्या बन सकता है आपके पास सी डबल बॉन्ड को, यानी कि कीटो। प्राथमिक एल्कोहल का यदि आप ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो क्या बनेगा कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक के रूप में एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटो। अब इन कार्बोनिल यौगिकों का फिर आप क्या करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो यहां से कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन का जब भी ऑक्सीकरण करवाएंगे तो वहां से किसका निर्माण हो जाएगा COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण हो जाता है, क्या बन जाएगा यहां से कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण हो जाता है। तो यानी क्लियर है भी ऑक्सीडेशन में कि एल्कोहलों का यदि ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो किसका निर्माण होता है कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिकों के अंतर्गत कौन बन सकते हैं एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है, और इन कार्बोनिल यौगिकों का यदि आप आगे ऑक्सीकरण करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। अब ये तो यहां से आपने क्लियर कर लिया कि आपके पास एल्कोहल है और एल्कोहल का अब अपने को ऑक्सीकरण करवाना है तो वहां से क्या प्राप्त होगा एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन का यदि आप ऑक्सीकरण करवाते हैं तो वहां से क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इन एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवाने के लिए अब ये ऑक्सीकरण जो होगा वो किसकी उपस्थिति में होगा, वो जो आपका जो रिएजेंट होगा वो क्या कहलाएगा ऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में क्या होगा संपर्क। अब इन कौन कौन से ऐसे ऑक्सीकारक यूज करेंगे जिनके दौरान अपन एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करेंगे, तो यहां से देखो क्या बताया यहां पे कि एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या होता है अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। यानी एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने के लिए आप क्या करते हैं अम्लीय क्षारीय या उदासीन के एमएनओ4 को प्रयोग किया जा सकता है।
बेअल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने के लिए अपन किसको प्रयोग कर सकते हैं? अम्लीय है, क्षारीय या उदासीन KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड बात में आपके पास अम्लीय K2Cr2O7 भी हो सकता है। K2Cr2O7 का नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तीसरे रूप में अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तनु HNO3, नाइट्रिक अम्ल भी हो सकता है। ये तीनों रिएजेंटों के थ्रू अपन क्या कर लेंगे, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से अलग अलग उत्पाद प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करते हैं। उसमें अपन बात करते हैं एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने के लिए इसके अलावा रिएजेंट के रूप में PCC है। PCC इसका मतलब होता है पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है CrO3 C5H5N HCl, यानी कि पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। इसके अलावा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे कोलेन रिएजेंट को यूज किया जाता है। अब कोलेन रिएजेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CrO3 C5H5N, यानी कि 2C5H5N। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पाइरिडिन कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको बोलते हैं कोलेन रिएजेंट। ये भी क्या काम करते हैं, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। यानी एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने के लिए अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने के लिए प्रयुक्त होने वाले अभिकर्मक, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने वाले जो प्रयुक्त होने वाले जो अभिकर्मक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है निम्न है, कौन कौन से हैं हो सकता है आपके पास, यहां से अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, KMnO4 जो है इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। नाम क्या होता है इसका, पोटेशियम परमैंगनेट। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, KMnO4 हो सकता है। दूसरी बात, यहां पे अम्लीय K2Cr2O7 भी हो सकता है। अम्लीय K2Cr2O7 इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या तनु HNO3, यानी एल्कोहलों को ऑक्सीकरण करने के लिए जो सामान्य रूप से कौन कौन से लेंगे, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, KMnO4 भी हो सकता है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है, तनु HNO3। अब इसके अलावा भी कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं, इसके अलावा काम में आने वाले रिएजेंट अभिकर्मक जो है, जैसे मैंने यहां पे इसके अलावा काम में आने वाले में पीसीसी है। पीसीसी का पूरा नाम होता है पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, CrO3 C5H5N HCl, CrO3 C5H5N HCl, इसका नाम होता है पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ऐसे ही सेकंड में कोलेन अभिकर्मक, कोलेन अभिकर्मक, कोलिन अभिकर्मक जो होता है उसको क्या होता है, CrO3 2C5H5N, यानी इसको मैं कह सकता हूं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पाइरिडिन संकुल, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पाइरिडिन संकुल। यानी ये ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है जिनके द्वारा अपन एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से अलग अलग प्रकार के जो उत्पाद है एल्डिहाइड कीटोन
कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करेंगे। तो यानी किस प्रकार से करेंगे? तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।